मेरा नाम रवि बोपाराय और मेरे वाइफ रंजू बोपाराय। आपने इतना बढ़िया वेलकम दिया, वी आर वेरी वेरी लकी एंड थैंकफुल। और आज बहुत ही बढ़िया दिन होने वाला है, क्या आप मानते हैं? और हमें पता है यहाँ किसी एक कपल की या बहुत सारे कपल्स की लाइफ चेंज होने वाली है आज, क्योंकि ऐसा ही दिन एक हमारी जिंदगी में आया था और हमारी लाइफ ने टोटली यू टर्न ले लिया और लाइफ पलट गई, चेंज हो गई। तो दोस्तों, मुझे पता है आप दूर दूर से आए हुए हैं और डेफिनेटली आपको ये बताया गया कि आज कुछ बढ़िया आप लेने जा रहे हैं, कुछ ऐसा मौका देखने जा रहे हैं जिसमें से आपके लिए लाइफ में भी कुछ हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए भी कुछ हो सकता है। पल भर के लिए सोच के देखो, विजुलाइज करके देखो कि कल आपके घर परमात्मा ऐसे नॉक करते हैं और आपको बोलते हैं कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं जिसके जरिए आपके पास पहले से ज्यादा पैसा हो सकता है, खुशियां हो सकती हैं जो वो पैसे से ले सकते हैं, ज्यादा समय हो सकता है फैमिली के लिए, आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वाइफ के साथ रह सकते हैं, ज्यादा समय पेरेंट्स के साथ बिता सकते हैं और बच्चों की चिंता खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, उनके रोजगार की चिंता खत्म हो जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी के जरिए आपकी फैमिली में खुशी आ जाएगी, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, दुनिया भर की सैरें कर सकते हैं आप, आपके पास नाम हो सकता है, शोहरत हो सकती है और ना सिर्फ यही, आप वो खुशियां दूसरों को भी बांट सकते हैं। तो कितने ऐसे दोस्त उस अपॉर्चुनिटी को हां करना चाहेंगे। वेरी गुड। तो दोस्तों, मुझे आपके बारे में तो मालूम नहीं है, ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ साल पहले एक भगवान के भेजे हुए दूत के जरिए मिला और वो दूत कोई और नहीं था, वो मेरा अपना ही दोस्त था मिस्टर एमपी सिंह एंड उनके वाइफ मिसेस एमपी सिंह। परमात्मा किसी और को चुनता है अपने कार्य करवाने के लिए, तो वो मौके ने हमारी जिंदगी में क्या किया? जब हमने वो मौका देखा तब हमारी सिचुएशन क्या थी? तब मैं जॉब कर रहा था, बिजी था, इंश्योरेंस में ऑफिसर था, एजुकेशन अच्छा लिया हुआ था और मेरे वाइफ लेक्चरर थे, ये कॉमर्स में मास्टर्स की हुई है इन्होंने, थ्रू आउट शी हैज बीन ए गोल्ड मेडलिस्ट रहे अपने करियर में। हम दोनों अच्छा खासा पढ़ के नौकरी कर रहे थे, जैसे कि हर घर में बताया जाता है अच्छा पढ़ो और अच्छी नौकरी लो, ऐसा होता दोस्तों? तो कैरियर की तरफ बढ़ रहे थे, मेहनती थे, क्योंकि घर से ऐसे संस्कार मिले थे कि मेहनत करो, मेहनत करके और ऑनेस्टी की कमाई करनी चाहिए। तो मैं इंश्योरेंस में ऑफिसर था और एक बड़ी कंपनी में, और मेरे वाइफ जैसे मैंने बताया लेक्चरर थे, टीच करते थे। तो हमारा कुछ ही टाइम हुआ था शादी हुए को और एक बेबी था, डॉटर थी हमारी, उसका नाम हर्षल था, तब वो छोटी थी। तो हमने जब ये मौका देखा तो पैसा तो नो डाउट कमा रहे थे, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं थी जैसा आदमी सोचता है कि जो चाहे वो कर सकता हो, फिर भी हमें सोचना पड़ता था कुछ भी करने के लिए। बैंक बैलेंस ऐसा नहीं था जैसा आम इंसान सोचता है कि हो, हाँ कि नहीं, जिससे कम से कम हम अच्छा घर खरीद सकते हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, मन मर्जी की गाड़ी ले सकते हो, ऐसा नहीं था। हर साल सोचते थे अगले साल गाड़ी लेंगे, मेरे पास एक मोटरसाइकिल होता था और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ओके था, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में समा भी नहीं था। मैं लेट घर पे आता था और मेरे वाइफ को भी जॉब पे जाना पड़ता था, दो लोग क्यों जॉब करते थे? पैसे की खातिर, ऑब्वियस है राइट। तो उसके लिए हमारा फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा था, हमारी अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रहे थे हम, और अपने लिए टाइम नहीं होता था इकट्ठे बैठ के बात करने का। और भी बड़े ड्रीम थे, कभी घूमने जाया करेंगे, तब तो इतने बड़े ड्रीम नहीं होते थे, सोचते थे कहीं करीब जा सकते हैं, है ना, कभी कहीं क्या उसको बोलते हैं, मौका मिल गया तो बाहर के कंट्री में भी चले जा सकते हैं, ऐसा सोचते थे। लाइफ में बहुत कुछ सोचते थे कि ऐसा हो, लेकिन हो नहीं रहा था। और मैं भी हैरान होता था कि मेरे फादर साहब बोलते थे कि पढ़ो और एजुकेशन लेके आप अच्छी जॉब लोगे तो अच्छा लाइफस्टाइल होगा, मैं बड़ा हैरान होता था कि सब कुछ तो कर लिया, अभी कहां हो गया लाइफस्टाइल, वो तो फिर नहीं है वहां पे, कॉम्प्रोमाइज तो फिर करना पड़ता। तो दोस्तों, जब ये अपॉर्चुनिटी को देखा तो रियली पता लगा कि परमात्मा ने दो दोस्तों के जरिए कुछ ऐसा करवाया है जो सारी दुनिया में लोगों को होप दे रहा है। और वो दोस्त कौन थे? वो दो दोस्त थे जेवन एंडल और रिच डिवॉर्स, जिन्होंने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी डिजाइन किया। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी के कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, चाहे वो यंग है 18 साल का है, चाहे वो एज्ड है, रिटायर्ड है, चाहे वो सिंगल लेडी है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे उसने कभी बिजनेस किया या नहीं किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोई भी आदमी इस अपॉर्चुनिटी को लेके सक्सेसफुल हो सकता है और एक बढ़िया जिंदगी बना सकता है।
और ना ही सिर्फ ये, हजारों लोगों को टच कर सकता है, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी। व्हाट ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं तो ये सोचता हूं कि परमात्मा ने खुद उनके दिमाग में ये डाला है। आप मानते हैं ऐसा? ऑर्डिनरी इंसान ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकता। तो वही अपॉर्चुनिटी के जरिए हम भी तराशे गए, हमने भी सीखा कैसे बढ़िया इंसान बनना है, कैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू डालना है और कैसे सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रह के ही सक्सेसफुल बन सकते हैं, है कि नहीं? आप मानते हैं ये बात, है ना? तो ये दोनों सिस्टम देखे और इनमें जब हमने जंप किया तो व्हाट वी गॉट आउट ऑफ दिस, हमें क्या मिला? मेरे दोस्त ने बताया था कि अगर 2 घंटे इस बिजनेस में लगाएंगे तो आने वाले 6 से 12 महीने में एक्स्ट्रा आप 50,000 पर मंथ जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, 2-3 घंटे लगा के कैसा हो सकता है? दूसरी तरफ हम इतना टाइम लगा रहे हैं फिर भी ऐसी इनकम नहीं आ रही है। तो डाउट्स भी थे, फियर्स भी थे, क्वेश्चंस भी थे, सब थे, लेकिन दूसरी तरफ रिवॉर्ड देखे। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि अगर 2 से 5 साल हम करते गए तो ये इनकम 2 लाख पर मंथ हो सकती है। यही बिजनेस प्लान है ना। लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि ये इनकम रॉयल्टी इन नेचर होगी, यानी कि बाद में हमारी प्रेजेंस है या नहीं है तब भी पैसा आएगा। इसका मतलब यह था कि टाइम भी होगा हमारे पास, हम प्रेजेंस नहीं भी दे रहे और टाइम होगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस को सीरियसली करना शुरू कर दिया, जॉब के साथ, दोनों लोग जॉब करते थे, टाइम नहीं था, उसके साथ साथ करना शुरू कर दिया और साइड से 50,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया पहले ही साल के अंदर अंदर। तो मेरे वाइफ, शी गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब, हेलो, फुल टाइम मॉम हो गई, फुल टाइम मदर, बच्चे को संभाल सकते थे और मेरे साथ और साथ देना शुरू कर दिया। और 2-2.5 साल बाद आज मैं भी रिटायर्ड हूं विद 6-figure income। हेलो, विद 6-figure income। क्या था पहले? एक मोटरसाइकिल था और बहुत सारी इच्छाएं थी, तमन्नाएं थी, कुछ करेंगे। मोटरसाइकिल से गाड़ियां आ गई, नाउ वी ड्राइव 2 cars। अभी पिछले साल ही हमने एक स्कॉडा बाई किया है, गुड कार, फुली कंप्यूटराइज्ड। सबसे बढ़िया बात उसमें पता क्या है? थकावट नहीं होती है, अब कितना भी ड्राइव करो। और सेल्फी में भी बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। उसके बाद अच्छे घर में रह रहे हैं अभी हम, पेरेंट्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं अभी हम, हमारे बच्चे इंडिया के टॉप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। जितना हम सेव भी नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा हम उनकी एजुकेशन के ऊपर फीस स्पेंड कर रहे हैं। और हमारे दोनों के पास इतना टाइम है कि हम जब चाहे उठ सकते हैं, वी हैव 7 Sundays, हाउ अबाउट दैट? किसी को ऐसा पसंद है लाइफस्टाइल? ये तो दोस्तों अभी शुरुआत ही है। जिन दोस्तों ने मुझे बताया था वो हमारे से भी बढ़िया लाइफस्टाइल ले रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात पता क्या है मिली हमें से, हमें इस बिजनेस में से? मटेरियल रिवॉर्ड्स नहीं, हम कैसे इंसान बन गए इसमें से। झूठ बोलना नहीं पड़ता, अभी दूसरों की जिंदगी में फर्क डाल रहे हैं और लोगों को ऊपर उठा रहे हैं। कितने ही और लोग बढ़िया लाइफ ले रहे हैं जब हमने ये बिजनेस शुरू किया, उसके बाद कितने लोगों को हमने टच किया और बढ़िया लाइफ ले रहे हैं। और ऐसा आपके साथ भी होगा, आपने भी ऐसा रास्ता भी चुना है। या आज आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो तो आप खुद की लाइफ ही नहीं चेंज करने वाले, अपनी परिवार की लाइफ चेंज करने वाले हो और दूसरों की लाइफ चेंज करने वाले हो। कितने लोग हैं जिनको ऐसी जिंदगी पसंद है? हेलो, यस। अभी ये सब कैसे हुआ? क्वेश्चन इज हाउ डिड इट हैपन, ये सब कैसे हुआ? और ये एक चीज बता दूं कि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया था लेकिन आज अच्छा बिजनेसमैन हूं, काफी तगड़ा टर्नओवर है। मेरे फैमिली में जरूर लोग बिजनेसमैन थे और जब मैं उनको देखता था तो देखता था लाइफ में अच्छा खासा उनके पास, जिंदगी अच्छी ले रहे हैं, घर बार अच्छा है, लेकिन उनके पास भी टाइम है, टाइम नहीं है, टेंशन है, तो उससे डर लगता था, राइट? दूसरी बात, मेरी तो आदत ही ऐसी थी, ज्यादा मैं बातचीत नहीं करता था लोगों से, शुरू से ही नेचर ऐसा था, क्योंकि मेरे फादर आर्मी से रिटायर हुए थे और मैं जब उनकी तरफ देखता था, वो फार्मर थे पहले, फार्मर से वो एजुकेशन लाइन में आ गए, सॉरी पहले आर्मी में चले गए, इमरजेंसी कमीशन, आर्मी में रहे, कैप्टन बन गए, उसके बाद वहां से रिटायर हुए, इवेंट इन टू एजुकेशन और बाद में लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर बन गए, बुक्स लिख दी, वो पोएट बन गए, पेंटर भी हैं। तो मैंने सोचा एक फार्मर इतना बदल सकता है, इतना कुछ सीख सकता है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? तो मैं अपनी फादर की तरफ देखता था और जब ये बिजनेस आया तो पहले पहले मैं भी घबराता था, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो, मैंने तो कभी बिजनेस नहीं किया। हालांकि जो मेरे स्पॉन्सर थे वो बोलते थे बड़ा इजी है ये, लेकिन अंदर डर होते हैं कि नहीं होते? फियर होते हैं ना कभी कुछ नया करने का, ऐसा ही मेरे था। तो जब मैंने अपने फादर साहब को देखा तो मैंने कहा एक इंसान इतना बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं, करना क्या पड़ेगा, सिर्फ चलना शुरू करना होगा।
तो मैंने डिसीजन लिया हम शुरू करेंगे करेंगे, क्योंकि एक चाइनीज प्रोवर्ब है, हजारों मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। दोस्तों कैसे हुआ यह सिलसिला शुरू? एक दिन सुबह सुबह मुझे एक फोन की घंटी बजी, शायद आपको भी बहुत लोगों को आई होगी ऐसी फोन की घंटी। तो मेरे दोस्त मिस्टर एमपी सिंह बोले, रवि एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, अपनी लाइफ चेंज हो सकती है। और वो सुबह सुबह का टाइम था 7 बजे का। तो मैंने सोचा, पहले तो सोचा मैं एक्सक्यूज बना देता हूँ, फिर मैंने अपने दोस्त के ऊपर यकीन करता था, मैंने सोचा चलते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ ढूंढ रहा था लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन जरूर थी, ढूंढ रहा था कुछ कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ आगे बढ़े, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और देश इतने आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चला गया। तो वहां एक दोस्त कनाडा से आए हुए थे और वो मेरे दोस्त बोलने लगे कि कनाडा से आए हैं अपने बिजनेस को इधर एक्सपेंड करने के लिए। तो मैंने सोचा लोग इधर से कनाडा जाते हैं, ये कनाडा से यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो उनको जल्दी थी थोड़ा, वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने मुझे 15 मिनट में प्लान दिखाया। जो आपने ये बिजनेस देखा होगा शायद किसी के साथ आधा घंटा बैठ के या एक घंटा बैठ के, मैंने 15 मिनट में प्लान दिखाया, क्योंकि वो साहब जल्दबाजी में थे, कहीं जाना था उनको, टाइम दिया हुआ था। लेकिन जब वो 15 मिनट उन्होंने शेयर किया, तो एक तो मुझे लास्ट पार्ट उन्होंने शेयर किया 643 प्लान, और उन्होंने एक मुझे कैटलॉग दिखाया। उस कैटलॉग में हजारों ही प्रोडक्ट्स थे और हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज थी, जैसे फिलिप्स, सानियो, हिटाची, ब्राउन, एडिडास। उन्होंने बताया कि ये सब कंपनियों के साथ हमारे बिजनेस का टाई अप है, हम इनके साथ भी बिजनेस करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स भी हमारे बिजनेस के जरिए बिकेंगे, और सेकंडली हमारी खुद की कॉर्पोरेशन जो है वो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, इनके पास खुद के साइंटिस्ट हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये 80 से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस है, और हमें 80 से ज्यादा कंट्रीज में लाइसेंस मिलने वाला है बिजनेस करने का। तो पहले तो थोड़ा सा मैं भी घबरा गया, मैंने कहा शायद इसमें पैसा बहुत लगेगा, ये इतनी इतनी बड़ी बातें बता रहे हैं तो पैसा तो लगेगा बहुत, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों में काम भी किया हुआ था। लेकिन उसने ये बोला कि इसमें पैसा किसी और ने लगाया हुआ है, हम इस सिस्टम का कैसे फायदा लेना हमने यही सीखना है, और इसमें आप फ्लेक्सिबल टाइम लगा सकते हो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन मेरा आने वाला था कि मेरे पास तो भैया टाइम नहीं है, मैं तो बड़ा बिजी रहता हूँ। तो उन्होंने वो पहले ही बता दिया कि इसमें आप फ्लेक्सिबल टाइम लगा सकते हो और इनकम बहुत जनरेट कर सकते हो, स्मार्ट पीपल वर्क इन ए स्मार्ट वे। जब उन्होंने ये सेंटेंस बोला ना, स्मार्ट पीपल वर्क इन ए स्मार्ट वे, तो मैंने सोचा मैं भी स्मार्ट हूँ। मैं सोचता था स्मार्ट होता है जो कोट पैंट डालते हैं उनको स्मार्ट बोलते हैं, हेलो। तो बाद में मुझे पता चला वो बात कर रहा है कि जो लोग मिलियनेयर्स हैं, करोड़ों पति हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प करते हैं, वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं दुनिया में कि उनको बार बार नहीं करना पड़ता, वो सिस्टम जनरेट कर जाते हैं, राइट। उनकी फैमिली को बार बार स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तब मुझे पता चला हार्डवर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है, कि हम बार बार काम करते हैं फिर हमारे बच्चे भी करते हैं। तो फिर मैंने उसको सीरियसली सुनना शुरू किया, और जब मैं घर पे आया मेरे दोस्त ने मुझे कोड ऑफ एथिक्स दे दिया। आपने किसी ने पढ़ा है कोड ऑफ एथिक्स? पढ़ा है किसी ने? उसमें सब लॉज प्रोसीजर्स दिए होते हैं बिजनेस, है ना, बिजनेस के। तो वो मुझे दे दिया, उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो मतलब लिटरेचर नहीं था, तो वही मैंने पढ़ा। मैंने जाके भाई साहब को दोबारा क्वेश्चंस किए, क्योंकि सुबह सुबह अगले दिन एमपी भाई साहब का फोन आया, क्या ख्याल है और शुरू करते हैं। मैंने कहा अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्लियर हो जाए तो हम करेंगे। तो हम वापस उसके पास गए, तो उसको मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैं पता क्या पूछ रहा था, 1% डेथ बोनस क्या होता है, कैसे आता है, कितने लोगों को मालूम है? ये नहीं मालूम है ना, वो एमरल्ड पे आता है। तो मुझे तो वो कोड ऑफ एथिक्स दिया था, वही मैंने पढ़ा था उसमें से, तो उसी में से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आदत थी ना, जैसे कंपटीशन में जाते हैं तो पढ़ के जाते हैं तो सारा पता होता है, ऐसे होता है ना। तो मैंने वो पूछा, वो भाई साहब कहते टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्यादा, ये एक दो क्वेश्चन मैंने और पूछे, वो सोचते हैं ये कुछ नहीं करने वाले, राइट, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी के आधार पे मैंने सोचना था ना। तभी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी राइट दो लोगों को, राइट इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो राइट डिसीजन ले पाएंगे, है ना। तो उसमें तो एमपी भाई साहब का कोई कसूर नहीं था, तब उनके पास लिटरेचर नहीं था। तो दोस्तों मुझे एमपी भाई साहब ने साइड पे लेके जाके बोलते, यार तू ऐसे उसको तंग क्यों कर रहा है, जैसे दोस्त बोल ही देते हैं आपस में। तो मैंने कहा यार बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ कि अगर अच्छा है तो हम करेंगे फिर। तो हम दोनों हॉबी के तौर पे फुटबॉल भी खेलते थे, मैं और एमपी भाई साहब दोनों फुटबॉल के प्लेयर भी रहे हैं, बचपन में हम इकट्ठे रहे हैं, क्योंकि उनके फादर भी कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, और एक और पर्सनैलिटी की बाद में बात करूंगा, है ना, उनके फादर भी प्रोफेसर थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार फुटबॉल में हम खेलते थे जीतने के लिए, हारने के लिए मैदान में नहीं उतरते थे, तो जीतने के लिए खेलते थे, जीतना यहाँ पे भी है, लेकिन ये पता चल जाए कि सही गेम है, क्योंकि लाइफ की गेम खेलने जा रहे हैं। यस, तो एमपी भाई साहब ने उस आदमी को पूछा, कहते यार हम लोग दोनों सीरियस हैं, हम किसी भी काम को हाथ डालते हैं तो अच्छी तरह डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते। तो उन्होंने फिर अपनी अपलाइन को मिलाया, और वो शख्स थे मिस्टर धर्मजीत सिंह तूर, राइट, और उनके बीच में
और एमपी भाई साहब के बीच में एक और बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है और वो भी हमारे फ्रेंड है, उनका नाम है मिस्टर सुरजीत सिंह ब्रैच, वो भी डायमंड डायरेक्टर है। व्हाट ए पावरफुल एलओएस, कितना लकी हूं मैं, मेरे स्पॉन्सर डायमंड है और उनके स्पॉन्सर भी डायमंड है, तो मुझे तो डायमंड जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वो तूर साहब के पास गए तो उन्होंने, हम तीनों ने बैठे जब, तो एक बात समझ आई, उस आदमी की आंखों में सच्चाई थी, हमें उनकी आंखों में सच्चाई नजर आई। फैक्ट्स फिगर्स तो थे ही उनके पास, लेकिन सच्चाई नजर आई और हमने ये समझ लिया कि ये अच्छा बिजनेस है। वो मिडिल एज थे, फैमिली वाले थे और रेगुलर सेमिनार्स पे जाते थे, तो हमें वही रिफ्लेक्शन हमें मिली, अच्छी वैल्यूज, अच्छे संस्कार, वही सब मिला। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस करने वाला है, फैमिली वाला बिजनेस है, क्योंकि हम पहले जो भी काम करते हैं आमतौर पे जेंट्स तो अकेले ही करते हैं, यस और नो, लेडीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है ना। तो दोस्तों ऐसे ये सिलसिला शुरू हो गया, स्टार्ट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और मैं तो पहले दिन ही 10,000 लेके आया था, मुझे उन्होंने बोला तकरीबन 4,400 लगेगा। तो मैंने सोचा, मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम किया हुआ है, तो मैंने सोचा यार 10,000 से कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है, 4,400 से कौन सा स्टार्ट होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा मैं ले लूंगा। मैं लेके गया और एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ, सुरजीत भाई साहब ने फॉर्म निकाला, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस है। हमें नहीं पता था दोनों को कि ये लाइन ऑफ फ्रीडम है, और हमें नहीं पता था हम कितनी लाइफ को टच करेंगे इस बिजनेस के जरिए, कुछ नहीं मालूम था। और वही मैं बता रहा था ना, मन में बड़े फियर थे, डाउट्स थे, कैसे करेंगे, होता है ऐसे। लेकिन जैसे मैंने अब बताया, अपने फादर की तरफ देखा, शुरू कर दो, शुरू कर दिया, सो शुरू करोगे तो कुछ होगा, हां कि नहीं, यस दोस्तों। तो स्टार्ट कर दिया बिजनेस और प्लान दिखाना शुरू कर दिया, और प्लान कहां पे दिखाते थे, सुरजीत भाई साहब के घर पे एक अलमीरा होती थी, अलमीरा, उसके ऊपर एक प्लेन पेपर लगाते थे और वो प्लेन पेपर भी सुरजीत भाई साहब के होते थे। व्हाट ए बिजनेस, पेपर लगा के प्लान दिखाते थे और दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, 2 महीने बाद सुरजीत भाई साहब डायरेक्ट हो गए, फिर अगले महीने एमपी भाई साहब डायरेक्ट हो गए, और फिर अगले महीने मैं और रंजू डायरेक्ट हो गए। हमें नहीं पता बीच में क्या हुआ, कई लोगों ने हमें मना किया ऐसा नहीं होगा, कई लोगों ने हमें रोका भी टोका भी, इवन फैमिली मेंबर्स ने, लेकिन हमारा फोकस कहीं और था, हमें वो नजर आ रही थी बढ़िया जिंदगी। क्योंकि मुझे पता है कोई भी काम शुरू करोगे तो सिचुएशंस तो आएंगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। आपने अगर अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाना है तो इतना सिंपल नहीं बन जाएंगे, वो चैलेंजेस तो आएंगे, कभी अंधेरी रात में भी पढ़ना पड़ेगा, लाइट नहीं होगी तो, कभी फीस के लिए पैसे नहीं होंगे, चैलेंजेस तो आएंगे। लेकिन जो लोग रिवॉर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 4 महीने में डायरेक्ट 40,000 इनकम क्रॉस हो गई, इतना बढ़िया बिजनेस, नो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज किसी और के, फैक्ट्रियां किसी और की, प्रोडक्ट्स कोई और बना रहा है, रिसर्च कोई और कर रहा है, अरबों रुपए किसी और ने लगाया हुआ है, एंड यू हैव जस्ट टू पुट इन 2 to 3 hours। मैं तो फैसिनेट हो गया था, इतना बढ़िया बिजनेस। मैंने सोचा अब मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही मोटिवेटेड हूं। अब जब आपको इनकम आती है तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाती है, होता है ऐसे। तो यहां से एक मैसेज भी है, जल्दी जल्दी इनकम बनाओ, आप खुद दबा के मेहनत करो शुरू में, ताकि इनकम बनेगी, दूसरे लोगों को पता चलेगा कि इनकम बनती है और वो खुद ब खुद आपके साथ काम करेंगे। हेलो, यू फॉलो माय पॉइंट, ठीक है ना। तो दोस्तों हाँ, मेरे पास पीपल स्किल नहीं थे, लोगों से बात नहीं करनी आती थी, तो मैंने वो सीखे आहिस्ता आहिस्ता, मैंने स्माइल करना सीखा, अच्छा ड्रेस डालना सीखा। और मैं तो गांव में रहता था, एजुकेशन जरूर ज्यादा थी लेकिन गांव में रहता था, मेरा तो घर भी गांव में था, और मैं दूसरे लोगों के घर में प्लान दिखाता था। अभी तो हम सिटी में रहते हैं। व्हाट इज द मैसेज, आप कैसे भी हालात में हैं, कैसी भी शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपके अंदर दृढ़ इरादा है, राइट अपॉर्चुनिटी है और आपने फैसला ले लिया है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। फ्रेंड्स, मुझे कैसे पता चला ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, आपके मन में भी क्वेश्चंस आएंगे, कैसे बिलीव करूं मैं अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। सबसे पहले चीज होती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना। तो मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, यहां पे बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 45 ईयर्स से बिजनेस चल रहा है, मोर देन 80 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, और जहां पे भी ये बिजनेस हो रहा है सक्सेसफुल है, राइट। यहां पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं। हम लोग तो जब केमिस्ट्री पढ़ते थे सुनते थे, अगर केमिकल्स ना हो तो कितनी बढ़िया लाइफ हो, कितनी बढ़िया दुनिया हो, हम धरती को बचा सकते हैं। लेकिन पहली बार ही देखा है कि कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, तो ये अच्छा लगा। और ऊपर से अच्छा लगा मनी बैक गारंटी भी है। शुरू शुरू में मेरे भी क्वेश्चन थे,
जैसे कि मैं ग्लिस्टर क्यों यूज करूं, मैं तो सिबाका यूज करता हूं या मैं कॉलगेट यूज करता हूं, तो तब मुझे जानकारी मिली। सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको सिखाते हैं कैसे सोचना है, कैसे काम करना है स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि टूथपेस्ट वो भी बढ़िया है और जो अब आप यूज करने वाले हो वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन फर्क कहां पे है? वहां पे आप खुद मालिक नहीं हो, पैसा कोई और बना रहा है, यहां पे आप मालिक बनने वाले हो बिजनेस के। कितने लोग खुद के मालिक बनना चाहते हैं? वेरी गुड। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जब तक आप एम्प्लॉई हो आप वेल्दी नहीं हो सकते, रिच नहीं हो सकते। आई एम नॉट पुटिंग डाउन एम्प्लॉयमेंट, मैं भी जॉब करता था किसी के लिए, लेकिन आप वेल्दी रिच नहीं हो सकते जितनी देर आप खुद का बिजनेस ओन नहीं करते। और बिजनेस ओन करने के लिए क्या चैलेंज होते हैं? पैसा चाहिए, है ना, उधार भी है, टाइम लगाना पड़ता है, कितना टाइम लगाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, और नॉलेज को देगा नहीं, ये सब चैलेंजेस होते हैं ना दोस्तों। हेलो, होते हैं। तो ये मेरे सामने भी थे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चाहता था बिजनेस करने लेकिन पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, कौन देगा। यहां पे देखा कि ये इतना तगड़ा सिस्टम और फ्री नॉलेज मिल रहा है, टाइम थोड़ा सा लगा के, फ्लेक्सिबल टाइम लगा के एक बिजनेस खड़ा किया जाए, ये चीजों ने मुझे अट्रैक्ट किया। फिर मैंने जब ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और दुनिया में इतने मिलियनर्स पैदा कर रहा है, सक्सेसफुल लोग पैदा कर रहा है, मैंने देखा कैसे लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैंने देखा डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, वकील हैं, राइट, एंड फैक्ट्री ओनर्स हैं, टोटल अनपढ़ लोग हैं, बस कंडक्टर्स हैं, साइकिल पे आने वाले लोग हैं जिनके पास पहले ही कोई पैसा नहीं है, हर तरह के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो मुझे मेरा यकीन और बढ़ गया कि ये बढ़िया बिजनेस है जिसमें हर फील्ड के लोग हैं, ठीक है ना, जिसमें नोबेल प्राइज नॉमिनी भी है और छोटी मोटी नौकरी करने वाला बंदा भी है, छोटी मोटी दुकान करने वाला बंदा भी है। तो ये मैंने देखा ट्रैक रिकॉर्ड। और थर्डली कुछ इसके ऊपर अथॉरिटीज थी, जैसे जॉन सिस्टिना, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, मुझे वो इंटरेस्ट था। तो जॉन सिस्टिना टॉप फाइनेंशियल प्लानर ऑफ द वर्ल्ड है। तो जब उसने टेप उसने बनाई इसके ऊपर कि ये सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये आने वाला एक आइडियल बिजनेस है, तो मुझे यकीन हो गया कि अगर ये टॉप फाइनेंशियल प्लानर ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है तो इसका मतलब इसका मायने है। फिर पॉल बिल्जर, यूएस गवर्नमेंट का 3 साल वो एडवाइजर रहा, फाइनेंशियल एडवाइजर, उन्होंने इसके ऊपर बोला है कि वेल्थ रेवोल्यूशन जो है, वेलनेस रेवोल्यूशन, वो इस बिजनेस के जरिए आने वाला है। कि नेक्स्ट इंडस्ट्री इज ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री इज वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ, कितने लोगों को हेल्थ के चैलेंजेस है। तो जब ऐसी अथॉरिटीज, और एक और अथॉरिटी रॉबर्ट कियोसाकी, बिजनेस स्कूल उन्होंने बुक लिखी है, और वो खुद आदमी कभी जॉब करता था, आज वो मल्टा मिलियनर है, उसने बुक्स लिखी हुई, रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही फेमस बुक है उसकी, बिजनेस स्कूल पढ़ने वाली बुक है, उसमें जब लिखा कि ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, आने वाले समय का बेस्ट बिजनेस है, तो मेरी तो और क्वेश्चन नहीं रह गया। मैंने कहा जब अथॉरिटीज लिख रही हैं, इसके ऊपर बुक्स हैं, सफिशिएंट लिटरेचर है, सारी वर्ल्ड में बिजनेस हो रहा है, तो ये कुछ करने वाला है। एंड वी स्टार्टेड, और हम जंप कर गए। तो मैंने बताया ना, तब मेरे पास पीपल स्किल नहीं होते थे, मैं बात नहीं करनी जानता था लोगों से, स्माइल करना सीखा। और फिर जब मैं शुरू शुरू में प्लान दिखाता था, कुछ लोग ना बोलते थे तो मैं परेशान हो जाता था कि ये ना बोल रहे हैं, असल में वो अपने सपने को ना बोलते थे। होता है ऐसे ना, हम डिजेक्टेड हो जाते हैं, तो वो अपने सपने को ना बोल रहे, हमें ना नहीं बोल रहे। हेलो, कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे वो बात याद आई, मेरे फादर शेरो शायरी करते थे ना, तो उन्होंने गालिब की एक बड़ी बात सुनाई थी कि गालिब को आम बहुत पसंद थे, मैंगोस। तो एक बारी वापस अपने घर शाम को आ रहे होते हैं, और उनके घर के पास ही गली में एक गधा जो है ना, वो आमों का ढेर लगा हुआ है, उसको उसके पास जाता है और उसको सूंघ के चले जाता है, खाता नहीं है। तो सारे लोग जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं जोर जोर से हंसना शुरू होते हैं, कहते हैं देखो गधे भी आम नहीं खाते। वो जोर जोर से हंसना शुरू होते हैं कि गधे आम नहीं खाते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। तो कुछ देर बाद गालिब सोच के बोलते हैं, कहते हैं जो गधे हैं वही आम नहीं खाते। अगर किसी को कोई अच्छी चीज नहीं समझ आती तो इसका मतलब आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। हो सकता है उसके ऐसे अभी भले संस्कार ना हो, उसको समझ ना आए, लेकिन समझ आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। यस, तो फ्रेंड्स उससे मुझे मोटिवेशन मिली और हम चलते गए। और ये आगे सफर कैसे तय किया, कैसे हम सक्सेसफुल हो गए, ये सारी बातें अभी हम आपसे करेंगे शेयर। और इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं अपनी वाइफ को कॉल करता हूं, वेरी डायनेमिक लीडर, और इन्होंने मुझे साथ दिया। आज मैं जो भी हूं अपनी वाइफ के कारण। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके वाइफ साथ में है ना, तो आप जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके सिस्टर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने मदर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए घर में क्या हो रहा है। बिकॉज अगर घर में यूनिटी होगा
तो आप जितना मर्जी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। घर में यूनिटी है तो आप कुछ भी संसार में कर सकते हैं। सो ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरी मोटिवेशन है, तो जिसके कारण मैं सक्सेसफुल हूं। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज रंजू बपराई। थैंक यू, थैंक यू। सबको नमस्कार जी, मेरा नाम जैसे सबको मालूम ही है रंजू बपराई, और आज हम भगवान का वाकई में बहुत ही धन्यवाद करते हैं, और इतना धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि उन्होंने ये जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ये एक बिजनेस ला दिया जिसने हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल कर रख दिया, बढ़िया से और बढ़िया, उससे और बढ़िया, हर चीज में कह लो ना कि कुछ ना कुछ बेहतर से और बेहतर होता चले गया। और जैसे आपको मालूम है मैं भी जॉब कर रही थी, मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर थी एंड मैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कोर्स चालू किया हुआ था, साथ में अपनी पीएचडी के बारे में भी सोच रही थी। तो उस दौरान जब ये सब मेरे साथ चल रहा था हमारे लाइफ में, तब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, और तब नेचुरली थोड़ा सा सोचा कि एक साइड में हम जॉब कर रही हूँ, दूसरी साइड में अपने दो और स्टडीज के कोर्स सोच रही हूँ, और उससे पहले ही मैं ये अपने आप को सोचने पे मजबूर हो गई कि आज तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी कि मेरे जो फादर थे वो नेवी में कमांडर थे, और हमने बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल देखा है, शुरू से बहुत बढ़िया मेट्रो टाउन्स में रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई थी, और जब भी मैं देखती थी तो हमेशा जब भी कहीं पे कॉलेज में फ्रेंड्स होती थी, कहीं बाहर जाना, तो एक चीज की डिस्टिंक्शन मुझे हमेशा दिखती रहती थी कि जो बिजनेसमैन है उनके पास कुछ ज्यादा है जॉब वालों से ज्यादा, और वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ज्यादा होने के करके, जिन मोस्टली वो बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ बिजनेसमैनों के पास कुछ हमसे ज्यादा है, और यही बचपन से एक सपना मन के अंदर बैठ गया था कि बड़े होके बिजनेस करना है। और कई बारी मैं जब कॉलेज में थी किसी से बात भी करनी, किसी से बोलना कि आपने क्या करना है, तो मैं हमेशा बोलती थी मैंने बिजनेस करना है, और सब मेरे पे हंसते थे, बोलते थे एक लड़की बिजनेस, मतलब ना अपने मन में हंसते थे, मुझे समझ में आ जाता कि ये मेरे पे हंस रहे हैं, तो मैं बोलती थी कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि ये शायद भगवान ने कुछ अंदर डालना था, क्योंकि उसने आने वाले समय में हमारे लिए कुछ रखा हुआ था। और ये जब बिजनेस आया तब मेरे एक साइड में एक बहुत अच्छी जॉब, साथ में मेरी एक अच्छी जो मैं डिग्री कॉस्ट अकाउंटिंग की कर रही थी, अपनी पीएचडी के बारे में सोच रही थी, वो सब कह लो ना फीकी पड़ गई, और ये जॉब ने, ये जो बिजनेस है इसने हमें अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इसकी कहते हैं ना व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट द प्रिपरेशन दैट इज कॉल्ड लक, और हमारा वो लकी मोमेंट था क्योंकि हम जो कब से सोच रहे थे वो चीज हमें उस समय मिल गई, एंड एक दिन के लिए भी कह लो कि ना मैं नेगेटिव हुई ना मेरे हस्बैंड नेगेटिव हुए पहले दिन से ही, क्योंकि इस बिजनेस की वाकई जो यूनिकनेस थी हमें इतनी पसंद आई, क्योंकि जब मैं बता रही थी कि मेरी फ्रेंड्स को मैं देखती होती थी, मगर ये भी मुझे पता था कि उनके फादर्स कभी भी अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते थे, वो हमेशा मेरी फ्रेंड्स बोलती थी तू कितनी लकी है तेरे पापा तुम्हारे साथ रहते हैं, छुट्टी वाले दिन तुम्हारे साथ होते हैं, हमने कभी अपने फादर्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड करके देखा है। और ये जरूर मन में होता जब ये बिजनेस में यूनिकनेस देखी कि सिर्फ हमने कुछ घंटे लगाकर और हम दोनों फ्री हो जाएंगे, साथ में हम अपने बच्चों को भी बहुत सारा टाइम देंगे और फॉरेन ट्रिप्स भी मिलेंगे, पैसा भी आएगा, नेम एंड फेम भी होगा, बहुत कुछ मिलेगा, तो हर चीज से कह लो कि कोई जगह ही नहीं थी जहां से हम इसको ना कह सकते। और एक मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि जॉब भी है, बच्चा भी छोटा है, इनकी भी जॉब है, कैसे करेंगे, मगर इसकी वही यूनिकनेस की थोड़ा सा टाइम देके एंड हमने इसको, मैंने इस बिजनेस को जब शुरू में बिल्ड किया था तो मैंने इसको अपनी जॉब का एक ओवर टाइम समझ कर बिल्ड किया था, शाम के समय सोचा कि नौकरी चली जाएगी अगर ये दो घंटे ना लगाए तो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टाइम, छुट्टी वाले दिन यही सोचा कि वहां से जॉब से बुलावा है कि दो घंटे का ओवर टाइम चाहिए, और वो थोड़ा थोड़ा ओवर टाइम लगाकर
कि नहीं तो जॉब चली जाएगी। और यही हुआ वाकई, 8 महीनों के अंदर अंदर मेरी वाकई में जॉब चली गई फॉर परमानेंट। और इस जॉब जाने की मुझे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, क्योंकि जब भी मैं जॉब पे सुबह जाती थी और मेरी बेटी जब रोती थी और उसने मेरी चुन्नी पकड़कर खींचनी, मेरा दिल बहुत रोता था और मन में इतना दर्द होता था कि मैं नौकरी पे तो जा रही हूं, पैसे लेकर आ रही हूं, मगर किस कीमत पे ला रही हूं। और जब जॉब छोड़ी और साथ में एक ये भी सपना पूरा हुआ कि बिजनेस भी कर रहे हैं मगर एक फ्लेक्सिबल टाइम के साथ, सिर्फ कुछ 2-3 घंटे लगाकर, इतना सुकून मिला मैं आपको बता नहीं सकती। एक वर्किंग लेडी समझ सकती है कि घर में क्या सिचुएशन होती है जब एक लेडी भी वर्क करती है। और वाकई इसी के लिए मैं कह रही थी कि इस हम तो भगवान का देना नहीं दे सकते कि ये किस तरह से ये हमारी जिंदगी में आया और इसने एक एक करके हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दी कि हम बता नहीं सकते हैं। कहते हैं अकेला पैसा खुशियां नहीं देता है, मगर ये जो छोटी छोटी, क्योंकि लेडीज की तो यही खुशियां होती हैं, उसकी फैमिली में हस्बैंड का टाइम, उसके बच्चे के साथ टाइम, ठीक है ना, एंड घर में जो पीस ऑफ माइंड होता है लेडी का, कह लो कि वही एक संसार होता है। और ये संसार मुझे इस बिजनेस ने दिया है। एंड जब ये बिजनेस देखा था और इसके प्रोडक्ट्स देखे, प्रोडक्ट्स भी मुझे बहुत पसंद आए। शुरू में जरूर एक प्रोडक्ट की मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट थी कि मुझे सैटनिक थोड़ा लगता था कि मैं यूज कर रही हूं तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड आगे से कहते कोई बात नहीं, चाहे बाल एक भी ना रहे तो मैं विग ला दूंगा, मगर प्रोडक्ट तूने यही यूज करना है। कहते कि 100%, कहते 100% कमिटमेंट मतलब 100%, 99.9 भी तो वो पूरी बात नहीं बनेगी। और वाकई जो मैं स्टेटमेंट दे रही थी, 1 महीने के अंदर अंदर मैं खुद जाके सैटनिक 2-in-1 के ऑर्डर्स लेकर आ रही थी, क्योंकि जब क्योंकि ब्रांड बदलते हैं थोड़ा सा, कई बारी आपने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले ब्रांड्स यूज कर रहे होते हैं, और जब आप जेंटल यूज करते हैं तो शुरू में आपको पता नहीं लगता है, और बाद में मेरे इतने बढ़िया बाल हो गए, मेरे खुद के बाल देखकर मेरे को ऑर्डर्स मिलते थे कि हम आप क्या यूज कर रहे हैं, मतलब कहने का है कि इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। कई बारी यही होता है ना, हम शॉर्ट टर्म पेशेंस नहीं रखते हैं, कई बारी बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, मगर ये नहीं पता होता कि कुछ देर बाद ये जो हो रहा है ये आपके लिए बहुत बढ़िया कुछ करने वाला है। और यही चीज हमने इस बिजनेस में रखी, पेशेंस रखी, हर चीज को धीरज के साथ लिया, और अपने आप ही समय आता गया, हर चीज बदलती गई और बढ़िया से और बढ़िया होती गई। हम मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लिए शुरू में, क्योंकि जब मैं फ्री हो गई थी और जब मैंने जॉब से फ्री हुई थी तभी मेरी सेकेंड डॉटर भी बॉर्न हुई थी, और इतनी खुशी हुई थी क्योंकि मैंने पहली बच्चे को तो मैं छोड़ के जाती थी, जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मैं दोनों बेटियों के साथ पूरा टाइम घर में रहती थी और मैंने खुद ने उसको पाला, और उसकी खुशी मुझे खुद को मालूम है कि क्या है। एंड आज बहुत ही अच्छा लगता है कि इस बिजनेस के करके मेरे बच्चों का फ्यूचर इतना सिक्योर्ड हो गया है कि उनको दोबारा अपनी मदर की तरह, किसी की भी तरह जॉब पे कभी नहीं जाना पड़ेगा, वो हमेशा अपने घर में अपने दिल से जो उनका दिल चाहेगा वो काम करेंगी। जब बिजनेस बिल्ड हो रहा था, जब हम आगे बढ़ रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने अपने में भी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आई थोड़ा सा, एंड इसके लिए मुझे बहुत ही हेल्पफुल रही हमारी अपलाइन लेडीज, क्योंकि मैं अपनी अपलाइन लेडीज के साथ टाइट कम्युनिकेशन में थी। बहुत ही वंडरफुल लेडी लीडर्स कहूंगी मैं उनको, मिसेस देवेंद्र सिंह संधु डायमंड्स हैं, मिसेस सुरिंदर ब्रैच डायमंड डायरेक्ट्स, इतने वंडरफुल, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, एंड वो भी उनको मैंने जैसे जैसे उनको मैंने वॉच किया, जैसे वो करती थी, कैसे जाते थे, कैसे ड्रेसअप होते थे, कैसे लोगों से बातचीत करते थे, हर चीज मैंने उनको ऑब्जर्व कर करके कि कैसे पास में खड़े रहना, देखना कैसे ये अपनी डाउनलेग लेडी से बात कर रही है या कोई प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है, किस तरह से बात कर रही है, किस तरह से लोगों के बीच में मिलते हैं,
वो सब चीजें उनके साथ एसोसिएशन रखकर, उनके साथ टाइट कम्युनिकेशन रखकर मैंने ये छोटी छोटी चीजें सीखी। और कहते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वही अल्टीमेटली बिग रिजल्ट्स लेके आती हैं, क्योंकि एक पौधा भी तभी पेड़ बनता है जब हम उसको रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। और यही बिजनेस में भी यही चीज है कि आप थोड़ा थोड़ा क्या करते जाते हैं, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं। हम दोनों ने एक चीज की कमिटमेंट रखी थी कि हमने रोज इस बिजनेस के लिए कुछ तो करना है, और रोज हमने थोड़ा 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 इस बिजनेस को हम देते चले गए। और वही हुआ, हमने जैसे कह लो कि जहां हमारे दो बच्चे थे, हमने एक और बच्चा, हमने सोचा हमारा तीसरा बच्चा बॉर्न हो गया है, और सोचिए ये हमारे तीसरे बच्चे ने हमारे दोनों बच्चों का भी भार संभाल लिया, हम दोनों का भी भार संभाल लिया, और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी भार संभाल लिया। मगर एक बार हमने इस बच्चे को लगन से पाला, इस बच्चे को जिस जिस चीज की जरूरत थी वो हमने इस बच्चे को दी। जो टाइम कई बारी अपने उस बच्चों से लेकर इस बच्चे को दिया, मगर आज देखिए हर चीज इस बच्चे ने हमारी कितनी बढ़िया कर दी है। बहुत वंडरफुल बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद मेरा बहुत ड्रीम होता था कि फॉरेन के ट्रिप्स लेने हैं। मेरे ख्याल से यहां बैठे हर इंसान का सपना होगा, और यही सोचते थे कि वो लोग कौन होते हैं जो बाहर जाते हैं। वो जब कोई रिलेटिव्स आने बाहर से, उनको बड़े गौर से देखना, एंड मन में होता था कि पता नहीं क्या है, क्या स्पेशल है। एंड इस बिजनेस में आके हमारा वो भी सपना पूरा हो गया, और अब तो इतना हर साल बाहर जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं। और वाकई में कह लो, जब हम बाहर जाते हैं आपकी और विजन ब्रॉड होती है और आपको बढ़िया लगता है। मगर इतना मुझे मालूम है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडिया तो हमारा बेस्ट है। और हम सब लोगों ने मिलकर इस बिजनेस के जरिए अपने देश को सबसे आगे लेके जाना है, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे अच्छी खास बात है कि हमारे में जो आपसी प्यार है, जो हमारे में फैमिली वैल्यूज है, वो सब चीजें इस बिजनेस के लिए कह लो कि एक एडेड पॉइंट बन जाता है। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, हमारी जॉइंट फैमिली थी, एंड उसमें थोड़ा सा शुरू में नेचुरली होता था कि सुबह जॉब पे जा रहे हैं, शाम पे बहू कहाँ जा रही है। मगर मैं बहुत ही अपने इन लॉस का थैंक्स करती हूँ, रवि के मम्मी पापा का, मेरे भी मम्मी पापा हैं वो, एंड उन्होंने हर तरफ से हमें सपोर्ट की। एंड उनको हमने एक बार बैठ के, कई बारी हम पेरेंट्स से छुपाते हैं, हमने एक बार उनको बैठ के समझा दिया था कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि हमने जल्दी सक्सेसफुल होके अपने पेरेंट्स का यकीन को, कहते हैं ना, बरकरार रखा कि आपके बच्चे सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, जिसके करके उनका हमें और ज्यादा सपोर्ट मिली। एंड सारी फैमिली ने हमारी ने बहुत हमें सपोर्ट की हमारे सक्सेस के लिए। एंड आज बहुत बढ़िया लगता है कि इतने, कहते हैं ना कि वाकई एक ऑर्डिनरी लोग, मतलब एक ऑर्डिनरी उस क्लास में थे जहां पे शायद हमारे रिश्तेदारी कुछ हमें जानते थे, मगर इस बिजनेस के जरिए। और इतना बढ़िया सिस्टम है जिसने, क्या कहते हैं, हर तरह के इंसान को निखार कर डायमंड बना दिया है। क्योंकि कई हाउसवाइफ, क्योंकि मैं जरूर जॉब करती थी, मगर मेरा बहुत ज्यादा, कह लो ना, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थी। ज्यादा किसी से मुझे बातचीत करनी, घर में गेस्ट भी आ जाने, ज्यादा किसी से गप्पे मारनी या बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर मेरी पर्सनालिटी को किस तरह से उन्होंने निखारा, किस तरह से इस बिजनेस के लिए मुझे बनाया, इतना बढ़िया सिस्टम है। और हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स में कांति एंड हेमी, हेमी जी हैं। हेमी जी से मैं हमेशा मोटिवेट होती रही हूं, क्योंकि जब भी हम ट्रिप्स पे जाते थे और जब वो शॉपिंग करते थे, शॉपिंग तो मेरे ख्याल से लेडीज का तो सबसे पहले, कहते ना, हार्ट उसी समय धड़कना शुरू हो जाता है कि कोई चीज दुकान में देखी, कोई ज्वेलरी देखी। और जब उनका मैं शॉपिंग कर, वो जब भी शॉपिंग पे जाते थे बोलते थे आ जाओ, और उन्होंने आराम से कोई चीज पसंद आई, कभी प्राइस नहीं देखा कि इसकी कीमत क्या है। और वो लाइफस्टाइल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, एंड वही चीज के लिए हम वर्क कर रहे हैं, ताकि जिस तरह का,
एंड वो इतना प्यार देते हैं एंड हम वही एसोसिएशन उनसे सीखते हैं और वही कोशिश करते हैं कि हम अपने ग्रुप में कुछ जैसे वो बने हैं कुछ कुछ उनके तरह बन पाए और अपने ग्रुप को भी वो चीजें दे पाए। एंड आज आप सबके बीच में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हम रायपुर में किसी को नहीं जानते थे मगर आज जब हम एयरपोर्ट पे भी आए सब लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से हमारा स्वागत किया। मतलब कह लो ना इन चीजों के कोई शब्द नहीं होते हैं। ये पैसे से चीजें नहीं ली जा सकती हैं जो लोगों का प्यार मिलता है। हम यही आशा करते हैं कि आप जल्दी अमृतसर आएंगे और हमें अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। एंड अब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि वो आगे आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। गिव हर अ बिग हैंड। दोस्तों यहां तक कैसे पहुंचे? तो मैं अपने फ्रेंड के पास बैठता था, हम तीनों इकट्ठे रहते थे, मैं, एमपी भाई साहब, सुरजीत भाई जी, और दोनों ही बड़े जबरदस्त लीडर हैं, दोनों ही डायमंड हैं। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ था? तो सबसे पहले मैंने सवाल किया मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे उन्होंने ये पूछा तुम्हें यकीन हो गया कि ये बढ़िया बिजनेस है? तो जब मैंने सारा देख लिया था तो ये तो मुझे पता चल गया कि आने वाला ट्रेंड है, इस समय का सबसे तगड़ा ट्रेंड है ये। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के बाहर हो तो आपको सक्सेस मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स एज आया, उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसी तरह ही ये एक रेवोल्यूशन है जो दुनिया में हो रहा है, इसके ऊपर इतनी सारी बुक्स लिखी गई। तो जो लोग आज इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आगे जाने वाले हैं। तो एक ट्रेंड था, ये मुझे पता चल गया। सेकंड पावर क्या था? तो ये तो हो गया एक पावर बिजनेस, एमवे बिजनेस, जो जिसके जरिए हम एक अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास नेटवर्क्स हैं, दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास अपने नेटवर्क्स हैं खुद के। आप देखिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या है, खुद के पेट्रोल पंप के नेटवर्क्स हैं। ऑटो इंडस्ट्री में कारों के नेटवर्क हैं, ठीक है। व्हाट इज स्पाइस एंड रिलायंस और ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं? अपने नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होना तो खुद का नेटवर्क होना चाहिए। तो ये पहली बात समझ में आई। सेकंड, तो आपको कैसे मार्गदर्शन दर्शन मिले, कैसे आपको पाथ मिले, काम करने के लिए तरीका मिले? तो ये मुझे समझ आ गया कि अगर मैं ये सिस्टम को फॉलो करता हूं तो सक्सेस गारंटीड है और जल्दी मैं आगे जाऊंगा। थर्ड चीज क्या था, मुझे खुद में चेंज लाना था। सक्सेसफुल होने के लिए खुद में चेंज लाना था क्योंकि मुझे आदत थी दूसरों में नुक्स निकालने की, होता है ऐसे। तो दोस्तों जब भी हम किसी की तरफ उंगली करते हैं तो चार किधर होती हैं, अपनी तरफ होती हैं। तो यहां पे मैंने सीखा कि खुद को चेंज करना है, लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। लोगों में से अच्छी चीजें, अच्छी क्वालिटीज उनको बतानी है, तुम्हारे अंदर ये बहुत बढ़िया खूबी है, तो पीपल विल स्टार्ट लविंग यू, दूसरे लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, है ना। कहते हैं ना ऑटीट्यूड एटीट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड। जितना बढ़िया एटीट्यूड होगा आप हर काम में उतना बढ़िया ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो मैंने अपना एटीट्यूड पहले फिक्स किया कि काम करना है मुझे, करना है मुझे, करके दिखाना है मुझे, किसी और को दोष नहीं देना कि तू क्यों नहीं करता, मेरा काम नहीं बढ़ता है, हेलो। तो मैंने खुद को ठीक किया। वो कहते हैं ना एक कहावत है, कुछ लोगों के आने से रोशनी होती है और कुछ लोगों के जाने से रोशनी होती है। कब जाएगा ये? तो ये एक मेरे लिए लिटमस टेस्ट था। जब भी मैं कोई काम करता हूं तो ये मैं देखता हूं कि मेरे आने से रोशनी हो रही है या जाने से रोशनी हो रही है, हेलो। तो अगर ये आप टेस्ट अपने ऊपर लगाते रहोगे तो डेफिनेटली आप एक बढ़िया इंसान बन जाओगे। बिकॉज ये बिजनेस है अपलिफ्टिंग पीपल, दूसरों को अपलिफ्ट करना, दूसरों को आगे लेके जाना, उनको नीचे गिराना या यूज करना नहीं है। ये मैंने सीखा यहां से। तो कैसे अपने अंदर तब्दीली लाए, तो इसके लिए मुझे सिस्टम की जरूरत पड़ी। मुझे मेरे अपलाई ने बताया कि आप जो 8 स्टेप्स होते हैं वो करने हैं, टेप्स, बुक्स, मीटिंग्स में जाओगे तो आपको संगत मिलेगी, एसोसिएशन मिलेगी। बढ़िया एसोसिएशन के साथ क्या होगा, आप बढ़िया बनने शुरू हो जाओगे। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है। जब आप भी मैग्नेट बन जाओगे तो आप दूसरे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दोगे, वो भी जानना चाहेंगे ऐसा इनमें क्या है, ये हमेशा खुश क्यों रहते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसे बढ़िया क्यों हो रही है, ये घर से निकलते हैं बढ़िया सूटेड बूटेड होके क्यों निकलते हैं, इनका क्या मिशन है, हेलो। तब आपको सवाल आने शुरू हो जाएंगे, भाई साहब आप क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, तब वो प्लान के लिए रेडी है, आप बताओ मैं क्या करता हूं, हेलो। सबसे पहले लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे ये बता दिया गया कि हम प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे, ये तो एक सिंपल सा साधारण है। इवन मेडिकल कॉलेज में सब लोग अप्लाई करते हैं, सब लोग डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन डॉक्टर कौन बनता है, जो सीरियस होता है वो बनता ही बनता है डॉक्टर। यहां पे भी 100% गारंटी है सक्सेस रेट की,
सक्सेस से, तो मुझे मेरे अप्लाई ने बताया कि स्मार्ट तरीके से सिस्टम को कैसे यूज करना है। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप खुद प्लान दिखाते हो और खुद समझाते हो तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप प्लान दिखाते हो और उसको किसी और की टेप देते हो जिसके साथ वो रिलेट कर सकता है तो वो ज्यादा जल्दी बात को समझेगा। टूल्स, जितने बढ़िया टूल्स उतना बढ़िया बिजनेस। तो मैंने खुद टेप सुनना शुरू कर दिया, खुद किताब पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं तो इतना बिजी होता था, मैंने बताया कई बार मैं ऑफिस भी होता था 12-12 बजे तक, क्लोजिंग का टाइम होता था 11-12 बजे ऑफिस में बैठे हुए, टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा लोग क्रिकेट की कमेंट्री भी तो सुनते हैं तो क्यों ना टेप सुनी जाए। तो मैं तो यहां पे टेप रखता था शर्ट में और इधर कानों में लगा होता था। वो पूछता क्या है, अगर तो वो खुश होता उसको बोलता हूं मैं ये बिजनेस की टेप सुन रहा हूं, अगर वो खुश नहीं होता है तो मैं कहता हूं हाँ हाँ कमेंट्री कमेंट्री, मुझे क्या जरूरत है उसको हर्ट करने की। तो वो खुश हो जाता था, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को अपने देश को आगे लेके जा रहा हूं अगर वो टेप सुनूंगा। तो रास्ता कोई भी निकाला जा सकता है। मैं किताब रखता था ऑफिस में तो नहीं पढ़ता था, लेकिन जब भी मैं फ्री हुआ किसी भी काम से मुझे टाइम मिला मैं पढ़ता था। जब मेरे पास गाड़ी आ गई तो कहीं मैं रास्ते में खड़ा हूं, रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक लगा हुआ है, मैंने किताब निकाला और 2-3 मिनट पढ़ा। अगर आपके पास रीजन होगा ना कुछ करने का तो आपको तरीके भी मिल जाएंगे। यस, और फिर मैंने सीखा रिवॉर्ड्स के ऊपर फोकस क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर हम चैलेंजेस के ऊपर फोकस करते हैं कि यार मुझे ये मुश्किल आई, चैलेंजेस हमें भी आए लेकिन रिवॉर्ड्स के ऊपर फोकस किया। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, मान लो मैं आपको यहां से बोलूं कि आप यहां से रायपुर से सतना आप मोटरसाइकिल पे जाओ, कितने लोग जाने को तैयार होंगे? बगैर वजह के तो नहीं जाओगे। अभी मैं आपको बोलता हूं आप पैदल जाओ, जाओगे आप? नहीं जाओगे ना। अभी मैं आपको बोलता हूं कि आप मुंह रायपुर की तरफ करो और पीठ उधर करो और फिर चलो, चलोगे आप? लेकिन अभी मैं बोलता हूं अगर आप ऐसे चल के जाते हो तो मैं वहां जाते ही आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, कितने लोग चलेंगे आप? सब लोगों के हाथ खड़े हो गए। अब क्या ऐसा बदल गया? वही आदमी है, वही डिस्टेंस है, वही मुश्किलें हैं, अब क्या बदल गया? जानते हो क्यों बदला? हमारा ध्यान रिवॉर्ड की तरफ हो गया कि जाते ही क्या मिलेगा, 2 करोड़। यस, ये भी एक सक्सेस प्रिंसिपल है। आप रिवॉर्ड की तरफ ध्यान दिए, चैलेंजेस छोटे मोटे आएंगे, आप बढ़ते जाओगे चैलेंजेस क्रॉस होते जाएंगे और आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब बताओ कितने लोगों को बढ़िया जिंदगी पसंद है? तो आप प्लान दिखाने के लिए तैयार हो? यस, तो गॉड विल टेक यू वेयर यू वांट टू गो। जब आप चलना शुरू कर देते हो, सक्सेस कैसे मिलता है? कुछ बहुत बड़ा करने से नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा रोज करने से। एक बार एक इंसान किसी महात्मा के पास जाता है, कहता है मुझे बताओ मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं लेकिन मैं करना भी कुछ नहीं चाहता हूं, काम नहीं करना चाहता हूं। वो सियाना होते हैं, वो कहते हैं आ जाना कल बताएंगे। तो उसको बोलते हैं कि 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पे ग्रेवयार्ड है और ये इस दिन अंधेरी रात होगी, तुम्हें वहां से ये मिट्टी लेके आनी होगी। तो वो इंसान कहता है ठीक है, और वो जाता है मिट्टी लेके आ जाता है। वो बड़ा हैरान होता है कि बड़ा सुनसान रास्ता था और अंधेरी रात थी, कोई वहां जाने का जरिया नहीं था, है ना, जंगल का रास्ता था, तो ये जाके ले आए। उसको बोलता आप कैसे गए थे? तो उस इंसान ने बोला, कहता मैं लालटेन लेके गया था, लैंटर्न जानते हैं, लैंटर्न है ना घर में जलाते हैं लोग जब लाइट चले जाती, तो कहता मैं लालटेन लेके गया था और जब मैं लालटेन पकड़ के जाता था तो मुझे आगे रास्ता दिखता था। और वो महात्मा बोले कि उससे तो सिर्फ 10-15 गज आगे दिखेगा। कहते हाँ 10-15 गज मैं जाता था तो फिर आगे 10-15 गज आगे जो रोशनी हो जाती थी, तो मैं 10-15 गज और आगे चलता था। तो उन्होंने पता क्या बोला, कामयाबी ऐसे ही मिलती है, आपने थोड़ा चलना है। आप जाओगे 6% पे, 9% पे, 12% पे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर थोड़ा आगे चलना है 15%, फिर थोड़ा आगे चलना है 21%। आपके लिए बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड्स खड़े हैं, यहाँ पे लीडर आएंगे ना, स्टेज आपको वेट कर रही है, आपको लोग सुनेंगे। फिर प्लैटिनम जाओगे, डायमंड प्लैटिनम फोरम ट्रिप पे जाओगे, जैसे हम लोग भी गए पहली बारी जब हम प्लैटिनम हुए, हम दिल्ली गए पार्क रॉयल में, वहां जाके पता चला कैसे कॉर्पोरेशन ट्रीट करती है, एमवे क्या चीज है, इतनी बड़ी कंपनी है, 5-स्टार ट्रीटमेंट और इतनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं, बता ही नहीं सकते आप। और जाते ही गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, आपके बेड के ऊपर गिफ्ट्स पड़े होते हैं, तब हमें पता चला हम किस कंपनी के साथ जुड़ गए। तब तो प्लान में ये बताया नहीं था, अभी तो उसका फॉर्मेट भी आता ना कहां कहां आप ट्रिप पे जा सकते, तब पे नहीं था। उसके बाद जब हम Q12 क्वालिफाई किए, हम लोग बैंकॉक गए, और बैंकॉक गए तो वहां तो और भी बढ़िया फॉरेन कंट्री देखा, वीजा लगाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा, है ना, ऑफिस भेज दिया एमवे ऑफिस में, अपना पासपोर्ट भेज दिया दोनों का और पासपोर्ट पे वीजा लग के आ गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। और घूमने गए, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, वंडरफुल, और बहुत एंजॉय किया वहां, इतने बढ़िया बढ़िया खाने, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट, इतनी बढ़िया आउटिंग्स, एक्सकर्शंस, तब जाके पता चलता है ये किस कंपनी के साथ जुड़ गए। और उन्होंने हमें खर्चने के लिए कैश भी दिया, तब पता चला ऐसी भी कोई कंपनी होती है, ये तो जवाइयों जैसे पालते हैं। हेलो, क्या किया था हमने?
दोस्तों अब तो चैलेंजेस याद भी नहीं है, क्या किया था हमने, कुछ भी तो नहीं किया था, लेकिन कितने बड़े रिवॉर्ड है। अब हम दोनों लोग एमरल्ड हैं, रिटायर्ड हैं, तो हम घर की बालकनी से देखते हैं लोग किधर जा रहे हैं, सुबह सुबह किधर जा रहे हैं, और ये भूल जाता है कि कभी हम भी 8 बजे भागते थे। हेलो, यस, क्योंकि रोज समा लगाएंगे तो पैसा आता है। लेकिन ये चीज समझ आ गया, डुप्लीकेशन, ये बिजनेस में समझ आ गया था, डुप्लीकेशन, हम अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, और समा भी बढ़ जाएगा, हाथ भी बढ़ जाएंगे, और फ्री भी हो जाएंगे, और लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। बिजनेस स्टार्ट जब किया, प्लान दिखाने शुरू कर दिए, सबसे पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो भी इंश्योरेंस में है, एक ही मेरा दोस्त है जो इंश्योरेंस में है, उनको प्लान दिखाया, वो भाई साहब को प्लान दिखाया, उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि वो बिलीव बड़ा करते थे, और एक्चुअली उन्होंने पहले प्लान देखा था, शायद उनको पूरा समझ नहीं आया, शायद वो पूरा मीटिंग नहीं अटेंड करके आए, वरना हम उनकी डाउनलाइन में होते। यहां से भी मैसेज है, प्रॉपरली फॉलोअप करोगे, प्रॉपरली इन टच रहोगे, तो यू कैन साइन पीपल, है ना। तो अभी उनका नाम है मिस्टर सतबीर सिंगल, वेल पर्सनलिटी आदमी, लैंडलॉर्ड भी हैं, इंश्योरेंस में ऑफिसर हैं, बिजी रहते हैं, फिर भी ये बिजनेस कर रहे हैं। आज उनके ग्रुप में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, राइट, डॉक्टर लखविंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वो भी डायरेक्ट हैं, मिस्टर गौरव सानी, यंग लड़का, कभी जॉब करना ही नहीं पड़ा, वो पढ़ता था और जॉब शुरू कर दिया, और आज वो अपनी एस्टीम खुद की ड्राइव करता है, वेल सुटेड, ठीक है, एंड ही इज फायर्ड अप टू गो एमरल्ड दिस ईयर, ठीक है। मिस्टर रंजीत सिंह है, और उस लेग में वो पुलिस ऑफिसर है, हर वक्त उनकी बॉर्डर पे ड्यूटी लगी रहती है, टाइम नहीं होता है, वो इस बिजनेस को टाइम के लिए कर रहे हैं, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, पैसा हो। मिस्टर बलजीत सिंह है, वो एक कॉन्ट्रेक्टर है, वो भी डायरेक्ट है, लॉट ऑफ ड्रेक्ट्स, लॉट ऑफ लोग उसमें एमरल्ड जा रहे हैं। इसी तरह मैंने एक कजन का नाम लिखा अपने, उनको प्लान दिखाया, उनका नाम है मिस्टर जसदीप, तब वो छोटी मोटी जॉब कर रहे थे, प्लान दिखाया, और तब ये भी नहीं पता था घर में मीटिंग दिखाते हैं, एक चाय की दुकान पे बैठ के प्लान दिखाया, पता नहीं था, जो भी किया किया, प्लान जरूर दिखाया, साइन किया उन्होंने, आज वो फाउंडर प्लैटिनम है, उनके नीचे भी फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे, दर्जनों डायरेक्टर्स हैं, और सारे इंडिया में बिजनेस फैला हुआ है। उन्हीं के ग्रुप में एक और फाउंडर प्लैटिनम है, मिस्टर हरचरण सिंह, वो भी एमरल्ड जा रहे हैं इस साल, और वो बिजनेसमैन थे, जब उनको प्लान दिखाया तो उनको एक ही चीज समझ आएगी, पैसा कहां से आएगा, उनको ये समझ आया कि जो 60-70% मिडलमैन की जेब में आता था, वो पैसा हम वापस अपनी जेब में डाल सकते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मजेदार बात पता क्या है, पहले कुछ महीने तो उन्होंने खुद बिजनेस भी बिल्ड नहीं किया था, उनके वाइफ ने बिल्ड किया था, मिसेस परमजीत, वेरी एक्साइटिंग लेडी, उन्होंने खुद बिजनेस बिल्ड किया था, और जब उनकी इनकम काफी आनी शुरू हो गई, तो अपनी वाइफ को बोलते हैं तुम्हारी इनकम तो मेरे से ज्यादा आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इनको रेगुलरली हेल्प करूंगा। हेल्प वो पहले भी करते थे, मीटिंग पे छोड़ के अक्सर आ जाते थे, राइट, बिजी थे ना, वो सपोर्ट जरूर करते थे, 100% सपोर्ट था उनका। अभी वो रिटायर्ड है पहले वाले बिजनेस से, दे आर फायर्ड अप, एक्साइटेड, और उनके ग्रुप में और बहुत ड्रग्स हैं। अभी एक उनके ग्रुप में प्लैटिनम हुआ, उसकी स्टोरी बताता हूँ। वो आदमी फैक्ट्री में काम करता था, यंग है, फैक्ट्री में काम करता था, यहाँ बिहार से हैं और वो लुधियाना आए हुए थे। किसी ने उनके ग्रुप में उनको प्लान दिखा दिया, और बड़ी कम सैलरी थी, तो खाना भी खुद बनाना पड़ता था, घर पे आगे रात को 9 बजे आते थे, और कई कई बारी तो जैसे फैक्ट्री में काम बंद हो जाता था तो उनका तनख्वाह भी बंद हो जाता था, ऐसी लाइफ थी। आज वो आदमी प्लैटिनम है, जितनी वो तनख्वाह लेता था उतना पैसा उसके पास रेंट के लिए है, घर का रेंट देने के लिए। अभी वो पीछे जब ट्रिप पे होके आए तो उनको पता चला कि कितनी बड़ी कंपनी से मैं जुड़ा हूं, एंड ही फील्स प्राउड, उनको प्राउड फील होता है कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान से कहां पहुंच गया हूं, राइट। इसी तरह मेरे एक और दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ते थे, तो 2-4 साल से गैप पड़ गया था बड़ा, मतलब जब मैं जॉब में चले गया, वो अपना खुद का बिजनेस करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो गैप पड़ गया। बाद में बड़ी मुश्किल से मैंने उनका एड्रेस लिया, और वो जलंधर में रहते थे, मैं अमृतसर में रहता था, तो मैं उनको 2-3 बार ढूंढने गया, मुझे मिला नहीं, उनका एड्रेस चेंज हो गया था, फिर भी मैं कंसिस्टेंट परसिस्टेंट लगा रहा, तो उनको मैंने ढूंढ लिया फिर, और एक दिन उनको मैंने इन्वाइट किया प्लान पे, और ओपन मीटिंग था, इंसिडेंटली उस दिन ओपन मीटिंग मैं ले रहा था, और तब तक मैं प्लैटिनम हो गया था तब तक। उनको बुलाया और बिठाया, बैठने से पहले ही वो बाहर किसी को मिले, और उस शख्स से पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे, वो कहता है यहाँ पे मीटिंग हो रही है, कहता है उन्होंने कहा कि एमवे की मीटिंग है, कहता हाँ, तो वो बाहर चल दिए, कहते मुझे पता है सारा एमवे के बारे में, मुझे सारा पता है। तो उधर से मैंने देखा कि मैंने उनको देख लिया आते हुए और वापस जाते हुए, तो मैं बाहर गया, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा राजकरण, उनका नाम राजकरण है, कहाँ जा रहे हो, कहते मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे पता है ये एमवे की मीटिंग है ना। मैंने कहा तुम एमवे के बारे में क्या जानते हो, मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा क्या तुम जानते हो कि 80 से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस हो रहा है, क्या तुम जानते हो यहाँ पे हजारों प्रोडक्ट्स हैं, क्या तुम जानते हो दुनिया में हेल्थ के नंबर 1 फूड सप्लीमेंट्स हमारी कंपनी के बिकते हैं, क्या तुम जानते हो दुनिया के टॉप 5 में हम है, क्या तुम जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग ये बिजनेस पैदा कर रहे हैं। कहता नहीं, इतना सब कुछ तो नहीं पता मुझे, तो मैंने तो ये सुना था मेंबर बनाने होते हैं, होता है ना ऐसा,
बिजनेस वाली साइड तो पता ही नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने यहाँ से घुटने यहाँ से पकड़ा बाजू से, मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं, दोस्तों पे इतना तो हक होता है ना। पकड़ के अंदर ले गया और सामने बिठा दिया और बीच में बिठा दिया ताकि इधर उधर जा ना सके। तो प्लान देखा और ही गॉट एक्साइटेड। आपको नहीं पता उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों एक्साइटेड हो गए। उन दिनों उनका बिजनेस बड़ा चौपट हुआ था, काफी पैसा लगाया हुआ था और मॉरिशियस में भी एक ऑफिस खोला हुआ था उनका, अपना फेयर्स का बिजनेस था और भी कई काम थे। तो उस वक्त बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा था, तो कहते ना मनी मन में प्रे कर रहे थे कोई अच्छा काम मिले, कोई अच्छा काम मिले। जब उन्होंने पूरा प्लान देखा, ही डिसाइडेड, उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैंने शुरू करना है। उन्होंने शुरू किया और अभी वो फाउंडर प्लैटिनम है, इस साल एमरल्ड जा रहे हैं, उनके ग्रुप में बहुत सारे ड्रैग्स हैं। और उस लेग की मैं हिस्ट्री बताता हूं, तो मैं अमृतसर से जलंधर, इट्स अबाउट 80 किलोमीटर, जैसे यहां से आपका नियरेस्ट सिटी है ना, इससे ज्यादा। तो मैं रेगुलर आता था उनको प्लान दिखाने हर हफ्ते। तो वो लेग मुश्किल से पहले 6 महीने में 6% पे थी, आगे नहीं जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कंसिस्टेंट परसिस्टेंट हो तो परमात्मा आपको रिवॉर्ड देंगे। लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग कभी गलत नहीं होता, जो आप बोओगे वही काटोगे। अगर आप मेहनत बोओगे तो मेहनत के रिवॉर्ड मिलने ही वाले हैं और मल्टीप्लाई होके मिलेंगे, ये आप मानते हैं यस। और जो आप बोओगे वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो 6 महीने जाता रहा मैं, फिर वो भी काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या थी, वो 6 महीने क्यों मोटिवेटेड थे, टिके थे, वो रेगुलर टेप्स सुनते थे। मैं जब भी जाता था उनको कुछ टेप्स देके आता था, 3-4 टेप्स छोड़ के आता था, फिर कोई बुक छोड़ के आता था ये पढ़ना, और फिर रात को पूछता था और वो मुझे बताते थे, मुझे ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको ये पक्का पता चल गया था कि ये बिजनेस बढ़िया। कैसे पता चला? इन्फॉर्मेशन जो अंदर गई थी, राइट इन्फॉर्मेशन से लोग राइट डिसीजन लेते हैं, है ना। मान लो ये कमरे में अंधेरा है, जितना मर्जी आप बाल्टियां भर भर के अंधेरा बाहर फेंकते रहो, अंधेरा बाहर नहीं जाएगा, एक बल्ब ऑन कर दो अंधेरा भाग जाएगा। यस, इसी तरह ये बिजनेस के बारे में है। आपके जो भी डाउट है वो जब आप एक बार अच्छी तरह समझ लो, इसको अच्छी तरह इसको स्टडी कर लो 1-2 दिन लगा के, लेकिन उसके बाद बार बार किंतु परंतु मत करना, फिर करना। तो किया दोस्तों, जाता रहा वहां पे। एक दिन उन्होंने एक कोल्ड कॉन्टैक्ट लगाया जो जानता नहीं था, उनके बगल में ही कोई आदमी रहता था, वो सैर कर रहे थे, तो वो बड़े हसमुख मजा आदमी थे, और उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, सैर करना शुरू कर दिया। और वो कहते आप क्या करते हो, कहते मैं बिजनेस कर रहा हूँ आजकल, मैं एक और बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने उससे उनसे शेयर किया, उनको प्लान दिखाया, वो साइन हो गए। वो भाई साहब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हैं, ऑफिसर हैं, ठीक है। तो उन्होंने जानते भी नहीं थे, स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने बॉस को फोन लगाया, उनका बॉस से उनका काफी अच्छा तालमेल था, उनको बॉस को फोन लगाया, वो गुजरात में थे और वो सीनियर पोस्ट पे थे। तो उनको प्लान दिखाया, वो इधर आने वाले थे कुछ टाइम में वापस पंजाब, उनको प्लान दिखाया, उन्होंने स्टार्ट किया, उनको बहुत सारी टेप्स दी, लिटरेचर दिया, उन्होंने स्टार्ट किया। 15-20 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, गुजरात वापस चले गए। ही वॉज वेरी बिजी, 16-16 घंटे काम करते थे, बड़ी सीनियर पोस्ट पे थे। तब हम बैंकॉक से ट्रिप पे आ रहे थे वापस बॉम्बे में, और बॉम्बे में एक FEC हो रहा था, तब उन्होंने उनको भी वहां पे बुला लिया, गोपाल भाई साहब ने, कि चलो आउटिंग करते हैं और जाते हैं। और उन्होंने जब वो फंक्शन देखा, और उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी गैदरिंग तो मैंने देखी नहीं, तब तकरीबन 40,000 लोग थे वहां पे, और मेरा ख्याल तब कांति जी की सेलिब्रेशन हो रही थी, आवर ग्रेट ग्रेट अप्लायंस, राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। तो उन्होंने डिसीजन लिया, उनको माहौल अच्छा लगा, वैल्यूज अच्छी लगी, लोग अच्छे लगे, उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं ये काम करूंगा। वहीं से उन्होंने फोन किया अपनी वाइफ को, उनके वाइफ, उनका नाम जगजीत है, शॉर्ट नेम रूबी भी है, कि हम ये बिजनेस करेंगे, तुम रेडी हो जाओ, जो हम वो लेके आए थे ना बिजनेस के टॉट टेस्ट और लिटरेचर, वो आज से हम करेंगे। शुरू कर दिया, आज उनके ग्रुप में बहुत सारे ड्रग्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, अभी वो सफारे क्वालिफिकेशन में है, अभी जल्दी ही एक आदमी ने वो एमरल्ड क्वालिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड ही इज गोइंग डायमंड नेक्स्ट ईयर। और देखो जब स्टार्ट किया था वो लग 6% 3% 6% 3% 6 महीने, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट परसिस्टेंट रहते हो तो परमात्मा आपको रिवॉर्ड देता है। हेलो, यस, ऐसे ही बहुत सारी अभी लेग्स है। तब मैंने सीखा कि जब आप विड्थ डालते हो अच्छी, तो आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हो। पहले मैं भी दूसरों को बोलता था आप काम क्यों नहीं करते, लेकिन मैंने ये सीखा अपनी अप्लायंस से, विड्थ डालो बहुत सारी, है ना, विड्थ डाली बहुत सारी, तो उसमें से लीडर्स निकलते हैं करने वाले। जैसे किसान क्या करता है, बहुत सारे सीड फेंकता है ना, वो ये नहीं करता कि एक फेंका और चेक करता है कि उगा कि नहीं उगा, वो बहुत सारे सीड इकट्ठे फेंकता है, कुछ को चिड़िया ले जाती है, ठीक है, कुछ अच्छी जमीन पकड़ लेते हैं, कुछ पत्थर के ऊपर गिर गए, और जो अच्छी जमीन पे पकड़ के गिर गए तो वो उग जाते हैं और परमात्मा उसको उगाता है। फार्मर का काम क्या है, उसका काम है पानी देना उसको, है ना, फेंस करना, उसको बचा के रखना, यही काम है ना उसका। ऐसे ये है काम आपका, आपने अपनी फसल को सींचना है ईमानदारी से, दिल से, श्रद्धा से, फल परमात्मा लगाएगा।
और ये सब तब होगा जब आप अपने सपने को सामने रखोगे। जो लोग अपने सपने को सामने रखते हैं वही आगे जाते हैं। दुनिया में जितने आविष्कार हुए किन लोगों ने किए, जिन्होंने अपने बॉक्स से बाहर निकल के सोचा। हम सबका एक बॉक्स बना होता है ना, उस बॉक्स से हम बाहर नहीं सोचते, हाँ इससे आगे नहीं हम जा सकते, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या होता है? समथिंग जो अभी तक किसी ने किया नहीं। हिमालय पे जाना इम्पॉसिबल था, कब तक? जब तक हिलेरी और तैनसिंह नहीं चढ़े थे। अब हजारों लोग चढ़ते हैं, इम्पॉसिबल था ना। मून पे जाना इम्पॉसिबल था, कब तक? जब तक पहला आदमी मून पे नहीं गया। चार मील की, एक मील की दौड़ चार मिनट के नीचे दौड़ना इम्पॉसिबल था, डॉक्टर कहते थे हार्ट फेल हो जाएगा। कब तक? जब तक एक डॉक्टर रॉजर बेनिस्टर नहीं दौड़े। जब वो पहला आदमी उस एक मील की दौड़ को चार मिनट के नीचे उसने क्रॉस किया, उसी महीने कई और लोगों ने चार मिनट के नीचे कर दिया। क्या हुआ? ग्रेविटी चेंज हो गई? कोई सिद्धांत चेंज हो गया? नहीं। यकीन आ गया लोगों को कि ये हो सकता है। आप ही के यहाँ पे लीडर बैठे तो ये कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। आप ही के देश में एमरल्ड और डायमंड जा रहे हैं, ईडीसी जा रहे हैं, डबल डायमंड जा सकते हैं, तो इसका मतलब हम भी जा सकते हैं। यस और नो? यस। यंग लोग डायमंड जा रहे हैं, ओल्ड लोग डायमंड जा रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते मैंने किसी को जाते हुए देखा नहीं है, आपके सामने हो रहा है दोस्तों। जस्ट बी कंसिस्टेंट, अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस कर दो। और मेरे अपलाइन तो ये भी कहते थे फोकस ऑन द फोकस, कैसा रहेगा? फोकस ही कई बार बिगड़ जाता है छोटी छोटी चीज। प्रायोरिटी सेट करना। मैंने कैसे प्रायोरिटी सेट किया था? जब मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कितने घंटे हैं मेरे पास। तो मैंने देखा मैं कभी 7 बजे फ्री होता हूँ, कभी 8 बजे फ्री होता हूँ, कभी 6 बजे फ्री होता हूँ। तो मैंने कहा उसी के बाद मैं करूंगा। कई बार 8 बजे बाद प्लान करता था, कई बार 9 बजे के बाद प्लान करता, कई बार सुबह 8 बजे प्लान कर देता था, ओवरव्यू कर देता था। वो 15, 16, 18 घंटे के साथ काम शुरू किया। मुझे ये पता था मेरे ग्रुप में ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिनके पास ज्यादा टाइम होगा, तो क्या होगा अगर मैं उनको सिखा दूंगा, तो क्या होगा। और दोस्तों बीच में एक और बात आपको बतानी बहुत जरूरी है। जब हम सफायर क्वालिफिकेशन में थे, हम कनाडा घूमने गए। एक्चुअली हमने अप्लाई किया हुआ था कनाडा जाने के लिए। जब मेरी और इनकी मैरिज तय हुई थी, मैंने कनाडा जाने के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरे सिस्टर वहां पे रहते थे, उनके पास परमानेंट रेजिडेंटशिप है। तब हम सफायर क्वालिफिकेशन में थे, उस वक्त हमारा वो मंजूर हो गया, वीजा लग गया कि आप कनाडा जा सकते। एक और चैलेंज कि कनाडा जाओ, कहते हैं लोग बढ़िया लाइफ है सब, लेकिन हमें पता था यहाँ पे क्या हो रहा है। हम वहां पे गए घूमने फिरने गए और देखा लोगों को कैसे लाइफ बिता रहे हैं। लोग अच्छी लाइफ भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं। आज ऐसा हो रहा है, एक ब्रदर जॉब पे जाता है, शुरू कर देता है, वो कहता है यार मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ, अभी मेरे पास आया नहीं जाएगा, मैं सोचता हूँ यहीं पे घर बना लूं। होता है आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। वहां पे मैंने देखा बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, फैमिलीज इधर हैं, खुद अकेले वहां पे हैं। एक दिन मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गया, मैं तो गाड़ी नहीं चलाता था, मेरे सिस्टर चलाते थे। तो वहां पे भी एक आदमी मिला, कहता हेलो कैसे हैं रवि भाई साहब, आप तो एमबीए बिजनेस कर रहे थे इंडिया में, अब यहाँ पे आ गए, छोड़ दिया वो? मैंने कहा नहीं, मैंने मजाक से कहा, मैंने कहा वो यहाँ पे भी करने आया हूँ। तो मैंने कहा यार तुमने पेट्रोल ही डालना था तो उधर ही डाल देता, थोड़ा तो दोस्तों में मजाक चलता है ना। मैंने कहा पेट्रोल ही डालना था तो उधर डाल लेता, तुझे कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाया था। थैंक गॉड दोस्तों हमने राइट डिसीजन लिया, आज हम अपने ही कंट्री में फ्री हैं। क्यों ना हम अपने ही कंट्री को रिच बनाए, दूसरों को एम्पावर करके, दूसरों को मौका देके, यूथ को, हमारे यूथ को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इलीगल पासपोर्ट लेकर जाना नहीं पड़ेगा, किसी की नौकरियां करनी नहीं पड़ेंगी। वी हैव द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन द मदर वर्ल्ड। ये दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, यही बिजनेस आपके अंदर करेक्टर डेवलप करेगा। मुझे झटपट पैसा नहीं चाहिए, बड़े लोग आए थे, मैं करेक्टर से पैसा कमाना चाहता हूं, मुझे लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। तो आप भी करेक्टर से बिल्ड करिए, ऑनेस्टी से, ट्रस्ट से बिजनेस बिल्ड करिए, टाइटली अपलाइन से प्लग इन हो जाइए, और सबसे बढ़िया बात अपने सपने को सामने रखिए। आई होप यू आर ऑल ड्रीमर्स, आप सब डायमंड।